गृह मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल सरकार से बंगाल हिंसा पर रिपोर्ट तलब की है। बंगाल बीजेपी के मुखिया ने गृह मंत्रालय को चिट्ठी लिखकर आरोप लगाए थे कि बंगाल में हिंदुओं को पकड़ा जा रहा है। वहीं ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी ने बाहर से गुंडों को बुलाया और दंगा करवाया। पश्चिम बंगाल में हिंसा और उसके बाद फैले तनाव के बीच सियासी पारा हाई है। बीजेपी सीएम ममता बनर्जी पर हमलावर है तो वहीं ममता भी इसमें पीछे नहीं है। आज पूर्वी मिदनापुर के आयोजित एक कार्यक्रम में ममता ने बीजेपी पर अनगिनत आरोप लगाए और केंद्र सरकार को भी कटघरे में खड़ा किया। ममता ने बीजेपी पर तीखा वार करते हुए राज्य में दंगा भड़काने का आरोप लगाया। दंगा कराटा बांग्ला संस्कृति नय, दंगा हमरा करी ना, मानुष कखनो दंगा करे ना, बीजेपी लोकेरा आज के पारे ना, ताई दंगा करबार जन्य बाहरेर गुंडादेर भाड़ा करे निये आसे। वही बंगाल बीजेपी प्रमुख सुकांत मजूमदार ने राज्य में बिगड़ती कानून व्यवस्था के हालात पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखा है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि पुलिस हिंदुओं को परेशान कर रही है और गिरफ्तार कर रही है, जबकि असली अपराधियों और अल्पसंख्यक समुदाय के गुनहगार पर आंख मूंद रखी है।